भाई जी वहाँ की और लीलाओं के बारे में बताओ थोड़ा अभी का एक लीला बताता हूँ तो कोविड में आप लोग जानते हो सब कुछ रेस्ट्रिक्शन में था सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि रथ यात्रा नहीं होगा उसी टेबल ने ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसी टेबल ने फिर से अपना ओपिनियन चेंज किया फिर से ओपिनियन चेंज हुआ कि रथ यात्रा होगा पर अगर कोई भी एक कोविड नहीं निकला है तब उसके बाद क्या हुआ कि जब रथ यात्रा हुआ कोई भी कोविड पॉजिटिव वहाँ पे नहीं था उसके बाद एक महीने तक कोई भी कोविड पॉजिटिव निकला ही नहीं पूरी सिटी में पूरी पूरी में हाँ यह है जगन्नाथ जी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ एक एक ऐसा बात बोलिए कि जो सभी भगवान वरदान दे सकते हैं पर और एक ऐसा बात बोलिए कि सभी भगवान नहीं दे बोल दे सकते हैं। एक ऐसी बात जो नहीं दे सकते वो तो ये हो सकती है कि तुम अमर रहोगे हमेशा हाँ। वो ये नहीं चाहेंगे कि अमर रहे हाँ। बाकी जो दे सकते हैं यही वरदान दे सकते हैं कि तुम लाइफ में अच्छा करो आगे बढ़ो करियर वाइज आगे बढ़ो तुम्हारी हेल्थ एकदम तुम स्वस्थ रहो एकदम जब तक जियो अच्छा जियो मतलब ऐसा धन आता रहे ये सब दे ये सकते सब दे सकते हैं सभी भगवान बहुत कुछ दे सकते हैं बहुत कुछ उनके हाथों में होता है पर एक चीज़ नहीं होता वो है मोक्ष मोक, मोक्ष एक पर्सन के हाथों में होता है वो है परम ब्रह्म वो है जगन्नाथ जी उनको देख लेने से आप मोक्ष पाते हो खाली देख लेने से क्या होता है हमारे पूरी में पूरी में बोला जाता है यम का कुछ चलता ही नहीं वहाँ पे अच्छा हाँ जो बाईस तो सीढ़ियाँ हैं एक सीढ़ी में उनका यम दंड जो वो पकड़ते हैं वो फेंक के चले गए वहाँ पे क्योंकि उन्होंने पूछा जगन्नाथ जी को कि यहाँ पे आपको सब देखने आते हैं सब बात करते हैं आप आपको दर्शन कर देते हैं उसके बाद महाप्रसाद खा लेते हैं हाँ मेरा तो कुछ पावर ही नहीं है यहाँ पे तो जगन्नाथ जी ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे जो आएगा मुक्त पाएगा अरे तो उन्होंने क्या किया फेंक के चले गए यम दंड जो 22 तो सीढ़ियाँ हैं तब आप देखोगे वहाँ पे एक आ, सिल्वर कलर का एक गिरा होगा ब्लैक और सिल्वर का तो वो है जमदंड उसको इसीलिए बोलते हैं कि मतलब कूदना नहीं चाहिए वो मतलब बहुत आ, मतलब जमदंड है तो कुछ बड़ा चीज़ है ना इसलिए कूदना नहीं चाहिए अच्छा तो ये बाईस सीढ़ियाँ के मंदिर तक जाने के लिए बाईस हाँ बाईस सीढ़िया बाईस बाई देवी का नाम है देवी है अच्छा बोला जाता है देवी है और एक और एक बात है जो बोलते हैं बहुत लोग बोलते हैं कि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव वो बाईस अक्षरों का है इसीलिए बाईस तो सीढ़ियाँ हैं समझ रहे हो और और एक बात बोला जाता है एक राजा थे उनका बेटा नहीं हो रहा था उन्होंने क्या किया ना एक जम्बेश्वर वहाँ के महादेव पे वहाँ पे पूजा किया पूजा जब किया उन्होंने मांगा कि मेरे को बेटा चाहिए तो उन्होंने बेटा उनका मतलब वो बरदान दे दिया हाँ बेटा हो जाएगा पर अल्प आयु का होगा उन्होंने बोल पूछा कि अल्प आयु का होगा तो मर जाएगा क्या करेगा हम हमारा इतना बड़ा सा साम्राज्य कौन संभालेगा आप ऐसा करिए मतलब थोड़ा सा तो इसका आयु बढ़ा दीजिए उन्होंने तब बोला कि जगन्नाथ मंदिर में सीढ़ी बना वहाँ से अपने बेटों को लेके कर वहाँ से मतलब जो बोलते हैं ना मतलब सो के पूरा सर्कल सर्कल मार के नीचे तक ला दे तब क्या होगा उसका आयु बढ़ जाएगा अभी भी बहुत लोग होते हैं वहाँ से मतलब ऊपर से नीचे तक आते हैं मतलब पूरा सर्कल 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 सर्कल, सो के सर्कल 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 सर्कल, मतलब पलटी पल्टी मार के आते हैं लास्ट तक आते हैं उनको बोला जा मान्यता है कि उनका बढ़ जाता है अच्छा आयु भाई तो बहुत चमत्कारी चीज़ है यार भाई जी ऐसा भी मैंने सुना है कि आ, जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं कुछ दिनों के लिए वो, वो जो स्नान पूर्णिमा होता है जो स्नान होता है तो तब क्या होता है वो बीमार पड़ जाते हैं एक बार डिटेल में बताओ कब होता है कैसे हमारा होता सनातन धर्म बहुत ही गजब मतलब धर्म है क्योंकि यहाँ पे मतलब जो जो चीज़ उन्होंने मतलब सनातन धर्म को दिखाना चाहिए वो पूरा पीरियडिकली दिखाते हैं क्या होता है जब ग्रीष्म ऋतु आता है वहाँ पे 42 टू डेज़ के लिए जगन्नाथ जी जाते हैं चंदन यात्रा में जो मैं पहले बोल रहा था एक नाव में बैठ के घूमेंगे वो घूमेंगे मतलब खाएंगे ऐसा करेंगे लेकिन वो प्रीस्ट के साथ मतलब जो वहाँ जो उनकी वो पूरी यात्रा को एग्जीक्यूट करेंगे हम हाँ, प्रीस्ट फिर होंगे हाँ 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 वो जगन्नाथ जी जाते हैं भू देवी श्री देवी उसके बाद मदन मोहन मदन मोहन जगन्नाथ जी को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे तो और जो पंचू पांडव है मतलब पांच महादेव जो उनको गार्ड करते हैं वो लोग जाएंगे अच्छा मतलब इन सब की मूर्तिया में हाँ, उनका उनका जो मूर्ति वो वहाँ हाँ पे जाके पहुंचेगा और वो नाव में बैठ के और अच्छा। जब ये यात्रा हो रही होती है तो लोग दर्शन कर सकते हैं हाँ हम लोग दर्शन करते हैं हर अच्छा अच्छा हर वर्ष ठीक है फोर्टी टू डेज के लिए चलता है पर वो आधा चलता है मंदिर के अंदर आधा चलता है मतलब सबके लिए सब देख सकते हैं अच्छा तो उसके बाद क्या होता है ना जगन्नाथ जी को स्नान पूर्णिमा किया जाता है स्नान पूर्णिमा में स्नान इतना हो जाता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं अच्छा बीमार जब पड़ जाते हैं तो उनको मतलब उनके जो गर्भगृह हैं उनको सेवा किया जाता है मेडिसिन दिया जाता है आयुर्वेद का मेडिसिन दिया जाता है।, है।, है बता सकते हैं मेडिसिन में आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आपने बोला जितना मैं बता सकता हूँ एक है दालचीनी एक है कटपुर, एक है जाईफड़ मतलब इतना मैं जानता हूँ उसमें होता है और उसको बोलते हैं ओसो मोदक मतलब जो हमारे ओडिया में बोलते हैं ओसो मतलब दा, मेडिसन तो वो होता है और उसके बाद जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलता है जब ठीक हो जाते हैं रथ यात्रा में जाते हैं माँ के पास गुंडीजा के पास बहुत लोग बोलते हैं कि मौसिमा मौसिमा वो नहीं मौसी माँ जगन्नाथ जी का कोई भी माँ नहीं है जो सुभद्रा है उनके बहन जब प्रलय प्रलय आया था क्या होता था कि पूरा धरा पानी में डूब जाता है मानव जाति के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था लक्ष्मी जी जाके सुभद्रा जी को बोल रही है कि अब हम क्या कर सकते हैं सुभद्रा जी स्वयं जोगमाया है आदि सकती हैं तो उन्होंने क्या किया अपने अंश से एक देवी को मतलब उत्पन्न किया और उनको बोलते हैं अर्ध शोषिनी देवी मतलब आधा पानी को वो अपने में ही समा लेती है हाँ एक कुंड है उसका नाम है रोहिणी कुंड वहाँ से वो सोख लेती हैं टोटल इसीलिए मानव जाति अभी तक बचा हुआ है वो है मौसिमा और वो जब राम जी आए अपना कंप्लीट करके पहले गए कैकी के पास कैकी को बोला कि आपके वजह से मैं रामचंद्र से श्री राम बन बन पाया हूँ इसी आपको याद नहीं है पर मेरे को याद है कि आप आप और आपका और मेरा ज जन्मन जन्मांतर का मतलब रिश्ता है इसके बाद जो द्वापर में आप बनोगी मेरी माँ ज, जो जो में मुझे जन्म देंगी और उसके बाद कली में बनोगी अर्धसोसिनी देवी और जो जिसका जो हम लोग बोलते हैं पीठा पीठा मतलब जो जो खाने का पदार्थ होता है जो जगन्नाथ जी को अर्पण होता है तो जिसका वो खा जो नहीं खाऊंगा तब नहीं जाए मेरा रथ आगे नहीं जाएगा वो पीठा मतलब क्या बोलते हैं उसको एक केक टाइप का रहता है वो अगर नहीं खाऊंगा तो मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा तो जगन्नाथ जी को भोग लगता है उसका। लगता है वहाँ पे ओके okay. तो वो जो देवी हैं जिन्होंने पानी सोखा था वो बेसिकली कह कई हाँ हम्म हम्म अगले हाँ। अच्छा और आप कह रहे थे रावण का भी लिंक है कुछ जगन्नाथपुरी से हाँ रावण क्या हुआ था ना जब जब बाली उनको अपने काक में यहाँ पे लेके घूम रहा था तब रावण मतलब बहुत आ, मतलब अपने आप को कोस रहा था कि मैं तंत्र मंत्र जंत्र मेरे अंडर में रहते हैं ये मेरे को कंट्रोल कर रहा है इतना पावरफुल कैसे हो गया तो वो जाके पूरी में पहुंचा पूरी में वो पूजा करता था बिमला देवी का बाली रावण को ऐसे लेके घूम रहा था ये कब हुआ हाँ पहले से स... तो हमें पता ही नहीं था इसके बारे में थोड़ा आपको पता है तो बताओ क्या है ना रावण जो बाली थे वो बाली क्या सुग्रीव, वाले, बाली सुग्रीव वाले हाँ वो क्या कहते हैं ना आधे शक्ति अपने में ही खींच देते थे और उनका भी बहुत ज़्यादा ही मतलब पावर था वो अपने आप ही मतलब प्रचंड पावरफुल बन जाते थे कोई उनका हरा नहीं पाता था पर हनुमान जी के आगे वो उल्टा पड़ गया उनका जो पावर था वो लिमिट नहीं कर पाए इसलिए दौड़ के चले गए थे तो बाली उनको कंट्रोल करके ले गया था तो उसके बाद रावण आया रावण आके पूरी में पहुंचा और वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है वहाँ पे जाके बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है मतलब उसका जान नहीं था तब तब उन्होंने बोला कि तू जा जो मंदिर के पीछे जो शक्ति हैं उनको जाके मिल तो उन्होंने रावण जाके वहाँ पे अपना शक्ति प्रदान किया था शक्ति मतलब अपना मतलब पूरा शक्ति खत्म हो गया था तब उनको एक शांति पड़ा मिलता है मतलब एक स्वीट स्वीटनट ड्रिंक वो पी के उसको पुनर मतलब मतलब जान आया था उसके देह में उसके बाद बोला कि मेरे को आपने बचाया है आप चलिए मेरे साथ लंका में तब वो बनी थी लंकेश्वरी अच्छा। जिसके पावर से वो सब कुछ कर पाता था तो ये बेसिकली जो मेन इवेंट है रामायण उससे पहले की बात है, हाँ, है हाँ, रावण को हम लोग पूछते हैं आप लोग सुने होंगे कि लोग जलाते हैं बिल्कुल पूरी में पूजा जाता है वो अच्छा हाँ अभी भी उनका एक ताट्टी ताटी मतलब एक कॉस्ट्यूम है उसको पूजा जाता है हमारे यहाँ क्योंकि रावण बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी था और हम उन उसको सेलिब्रेट करते हैं अगर कोई रावण बन गया ना मतलब कॉस्ट्यूम पहन के बना तो भाई वो भगवान से भी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी तो वैसे ओडिशा में रावण को जलाते नहीं है पूजते हैं नहीं नहीं जलाते तो सभी हो रहे हैं पर हम लोग उसके जो ब्रिलियंस हैं जो इतना बड़ा मतलब पुजारी था इतना बड़ा इतना ज्ञान रखता था इसलिए हम पूछते थे और एक बात बोलना चाहता हूँ रावण उड़यन तंत्र का बहुत बड़ा उपासकता उड़यन तंत्र मतलब उद्र पीठ का तंत्र मतलब उड़ीसा का तंत्र का बहुत बड़ा था का तंत्र स्पेशल और अलग क्यों है भाई कालिका पुराण में लिखा गया है कि कालिका पुराण ऐसे बहुत पुरानों में लिखा गया है उडयन उड़ियन उडयन पिठवन कामाख्या आप लोग सुने होंगे कामाख्या कामाख्या भी, भी, पर उड़ीसा में मतलब पूरी में अगर आप तंत्र का या चंडी पुराण का करते हो पाठ तो सिद्धि बहुत ज्यादा जल्दी मिलता है इसीलिए परशुराम जी आके यहाँ पे श्री विद्या का मतलब सिद्धि किए थे उनको उनका नहीं हो रहा था जब वो आके यहाँ पे श्री विद्या का सिद्धि किए उसके बाद जो मार्कंड ऋषि थे यहाँ पे आके चंडी पुराण सब कुछ जो पुराण पुराण सब कुछ यहाँ यहीं पे ही लिखे थे तो जो तंत्र होता है जो उड़ियन तंत्र होता है उसे इंग्लिश में बोले तो ब्लैक मैजिक नहीं, नहीं 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 ब्लैक मैजिक बहुत अलग चीज़ है तंत्र बहुत अलग चीज़ है अच्छा रावण जो ये करता था हमारा मतलब ये पूरा मतलब जो जो भी करता था रावण उसका एक आ, उसने एक बरदान मांगा था कि मुझे सीढ़ी मतलब स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाना है पानी को आ, वो मिल्क बना देना है तो वो सीढ़ी मेरे पास अभी भी है फोन में सीढ़ी का एक पार्ट हमारे ही पूरी से ही कर रहा था वो हमारे पूरी से ही कर रहा था इतना ही छोटा बचा हुआ उसकी है उसकी फोटो है प्रॉपर वीडियो है छोटा तीन सेकंड का वो वो है वहाँ पे है और बोला जाता है वहीं से सीढ़ी कर रहा था स्वर्ग के लिए और हमारा जो क्रीमेशन सेंटर है उसको बोला जाता है स्वर्ग द्वार क्योंकि वहीं से ही स्वर्ग का द्वार खुलता है इसीलिए हमारा वहाँ पर जो भी मतलब मर जाता है तो बोलते हैं कि स्वर्ग में गया hmm. और कहीं नहीं जा रहा अच्छा जगन्नाथपुरी की टेम्पल की कुछ बातें हैं कि आ, जो जो नदी की साउंड है वो नहीं आती वहाँ पे हाँ और हवा भी दूसरी तरफ डायरेक्टेड है तो ये इसके पीछे जो राज है आपने तो रिसर्च करी है डीपली तो थोड़ा बताओ वो क्या होता है ना वहाँ पे पहले तो मेघनाथ पाचिरी है जो मेघनाथ बाउंड्री है जो बड़ा सा एक बाउंड्री है जगन्नाथ मंदिर के लिए वो रोक लेता है कुछ और उसके बाद भी आ जा रहा था साउंड तब जगन्नाथ जी ने कान पत्ता हनुमान एक हनु, हनु, हनुमान जी को बोला कि तुम ये साउंड को रोको इसके बाद हनुमान जी ऐसे कान मतलब जो वाल है वाल के पास ऐसे कान लगा के बैठ गए और सब जो साउंड था सोख लिया तो इसीलिए अंदर नहीं जाता तो हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ हाँ चारों द्वार में चार मूर्ति अच्छा ये रीजन है, असली। आ, और हवा का क्या रीजन है हवा का भाई चमत्कार अच्छा ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार है कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है जगन्नाथपुरी का जो झंडा है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में और अगर आप नीचे पे पे आप फ्लोर पे रहते हैं अपना हैंकी हिलाएंगे तो वो उसके अगेंस्ट जाएगा, जाएगा। फ्लैग अलग जाएगा हाँ। और ये ये भी है भाई कि एरोप्लेन वगैरह कोई भी नहीं उड़ता ऊपर से वो क्यों है क्या होता है ना हमारा जो जगन्नाथ मंदिर है वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ से नहीं जाना चाहिए पहला बात और सेकेंड बात है कि रिस्ट्रिक्टेड साइंटिफिकली मतलब कुछ किलीग्राफिकल रीजन या फिर कुछ टेम्पल पहले से ही वहाँ पे कोई नहीं उड़ सकता वो पहले से ही लिखा हुआ है तो इसीलिए नहीं उड़ता बर्ड्स भी आ, नहीं आते कभी उसके कभी उसके नहीं, नहीं नहीं आते हैं कभी कभी आते हैं मतलब इतना भी मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं है पर कभी कभी आते हैं सबके लिए भाई जगन्नाथ जी ये सबका भग, सबके भगवान है मतलब जैसे कि देवी देवता हम मानव दानव सबके भगवान हैं जो मांगता है वो उनके पास जाते हैं खुद भैरव है खुद दक्षिण अकाड़ी है खुद परम ब्रह्म है खुद गणेश जी हैं खुद दुर्गा हैं खुद सब कुछ खुद शिव है खुद ब्रह्मा है अगर मैं एक्सप्लेन करना जा, मतलब जाऊँ तो एक छोटा बच्चे को ले लो तो वो क्या बोल बोलता है कि गणेश जी मेरे दोस्त हैं हम में से कोई जाके गणेश जी बन गया ऐसा समझते हैं कि नहीं तो जगन्नाथ जी गणेश का मतलब एक गजानन बेस होता है दिखाते हैं जो स्नान पुण्य होता है उसके बाद गजानन बेस होता है मतलब पूरा गज के जैसे दिखेंगे वो मतलब हाथी के जैसे दिखेंगे तीन हाथी काला पीला और एक वाइट सफ़ेद हाथी तीन हाथी के जैसे बनते हैं तो बन गए गजानन। उसके बाद पुराण में लिखा गया है जगन्नाथक्ष भैरव बीमला भैरवी मतलब खुद भैरव है, मतलब शिव के सबसे जो फिरोशियस फॉर्म है वो भैरव है तो खुद भैरव है अभी उसके बाद आ, आ जाते हैं दुर्गा उनको बोला जाता है खुद दक्षिणा काली है उसके बाद आ जाते हैं विष्णु खुद विष्णु भी है। उसके बाद आ जाते हैं लक्ष्मी लक्ष्मी भी खुद है उसके बाद आ जाते हैं ब्रह्मा ब्रह्मा भी खुद है खुद मोक्ष देता है और ये जो मैंने सीक्वेंस बताया ये आपके लाइफ के लाइफ का सीक्वेंस है कैसे बताऊँ गणेश जी जब छोटे होंगे तब उसके बाद सिब सिब होता है आउटर ओरा। आपका तब क्या होता है ना बहुत झगड़ा होता है बहुत मैं मेरा भाई ये है मेरा भाई वो है बहुत लोग होते हैं आपके पास समझ उसके बाद आप जब 23, 24, 25 को आते हो आपका वो लिमिट हो जाता है बहुत ही लिमिट हो जाता है आप जान जाते हो शिव कितना है मेरे मेरे अंदर शिव कितने हैं मेरे अंदर मेरे में आउटर रेज कितना है समझ लो उसके बाद आ जाता है इनर रेज के लिए इनर रेज है और इनर रेज मतलब परसिविरेंस मतलब रेगुलर अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन वो होती हैं दुर्गा माँ क्योंकि उनको परसिस्टेंस की देवी माना जाता है मतलब उन्होंने 108 जन्म लेके शिव जी को प्राप्त किया था पार्वती जी ने तो उनको परसिस्टेंस की देवी बोला जाता है उसके बाद स्वयं विष्णु तो है ही उसके बाद विष्णु है तो लक्ष्मी आ जाती हैं विष्णु मतलब दिमाग आप इनर ओर और आउटर ओरा जब कंट्रोल कर रहे हो उसके बाद आप मतलब देख रहे हो कौन सा चीज़ मुझे करना है कौन सा चीज़ नहीं करना तो उसके बाद क्या होता है लक्ष्मी अपने आप ही आती है क्योंकि आप चैनलाइज कर पा रहे हो अपने आप को तो लक्ष्मी जी आ गई उसके बाद ये चलता है बीस पचास तक चलता है उसके बाद आदमी थक जाता है बैठता है भाई ये और काम नहीं करना ख़त्म और सब कुछ तब आते हैं ब्रह्मा तब क्या होता है ना आप शांति चाहते हो आप अपने आत्मा को परमात्मा के साथ आ, आ, मिलाना चाहते हो शांति चाहते हो भाई शांति आप जानते हो ये शांति मतलब मुझे पहले से ही चाहिए पर आ, तब क्यों नहीं हो पाता क्योंकि ये ही प्रोसेस है आपको आप क्या सबको यही प्रोसेस से जाना पड़ता है लास्ट में ब्रह्मा होके मोक्ष देते हैं मोक्ष अकेले ही दे पाएंगे वो है जगन्नाथ जी वो ही देते हैं वाह